अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा टिकटॉक का यूके मोनेटाइज अकाउंट आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टिकटॉक यूके अकाउंट क्रिएट करने का बेनिफिट यह है कि सबसे पहले तो आप लोग उसके अंदर पायनियर का अकाउंट अटैच कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे टैक्स आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फिल नहीं करनी पड़ती, थर्ड नंबर पे हर मंथ की पहली डेट को आपको उसका विड्रॉ मिल जाता है। और जो टिकटॉक यूएसए वाला अकाउंट है उसके अंदर आपको पेपाल का अकाउंट अटैच करना पड़ता है, दूसरे नंबर पे टैक्स आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कन्फर्म करवानी पड़ती है, थर्ड नंबर पे आपके पास वहां पर विड्रॉ करने के लिए भी 15 डेट आपको वेट करना पड़ता है, जिसके बाद ही आपको विड्रॉ मिलता है। तो इसलिए जो यूके वाले अकाउंट्स हैं उनके ऊपर डिस्क्वालीफाइड होने की रेशियो भी बहुत कम है और ये अकाउंट भी बहुत जल्द वायरल हो जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ दो मेथड शेयर करूंगा, दोनों मेथड फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग एक क्लिक के ऊपर अपने मोबाइल के अंदर अपने पीसी के अंदर ये अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं और आप लोग मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करके इनके ऊपर काम भी कर सकते हैं। पहला मेथड होगा वीपीएन वाला। अब वो वीपीएन फ्री में कैसे लेना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा मेथड ऑलवेज आपको पता है कि वो भी फ्री होगा, लेकिन थोड़ा सा जुगाड़ आप लोगों को करना पड़ेगा। अब मेरे सामने एक वीपीएन है हॉटस्पॉट शील्ड, ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है कि आप लोगों ने हॉटस्पॉट शील्ड वीपीएन का फ्री ट्रायल किस तरह से लेना है, तो चैनल पर वो वीडियो अपलोड की गई है। आप लोग देखेंगे 7 दिन का बिल्कुल फ्री में ट्रायल मिलेगा, उस पर अनलिमिटेड अकाउंट्स आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर देख लें आपके पास नजर आ रहा होगा आपको यूनाइटेड किंगडम, नीचे चले जाएंगे तो सारी लोकेशंस आपको मिलेंगी, आप लोग यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। अब यूनाइटेड किंगडम के अंदर आपको दो लोकेशंस मिलती हैं, आप किसी भी लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक करना है। विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका जो वीपीएन होगा वो उस यूनाइटेड किंगडम के सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। वीपीएन कनेक्ट हो गया, वीपीएन कनेक्ट करने के बाद अब आप लोगों ने कोई भी अपना एक ब्राउजर जो इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर एग्री पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है टिकटॉक, टिकटॉक सर्च करने के बाद यहाँ पर जो अगर परमिशंस वगैरह आपसे मांगे तो आप लोगों ने अलाउ कर देनी है। tiktok.com आप लोगों ने ऊपर क्लिक नहीं करना, ये देखें tiktok.com, टिकटॉक या टिकटॉक मेक योर डे जो भी आपके पास आएगा आप लोगों ने उस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद एक्सेप्ट ऑल पे आप लोगों ने क्लिक करना है, एप्लीकेशन को ओपन नहीं करना, ओपन टिकटॉक पे क्लिक नहीं करेंगे, नॉट नाउ पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा, आप लोगों ने सिंपली प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद साइन अप पे आप लोगों ने क्लिक करना है। अब साइन अप पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने एक नया जीमेल क्रिएट करना है जिस पर आप लोगों का पहले ऑलरेडी टिकटॉक का अकाउंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद सिंपली आप लोग यूज फोन और ईमेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग अपने आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अब डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखने US+1 या यूके यूएसए दोनों के लिए ये अवेलेबल है। सिंपली आप लोग ईमेल पे क्लिक करेंगे। अब ईमेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना जो न्यू ईमेल क्रिएट किया था वो ईमेल यहाँ पर आप लोग इनपुट करेंगे। ईमेल एंटर करने के बाद सिंपली आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब आप लोगों ने यहाँ पर अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद सिंपली आप लोग साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग साइन अप पे क्लिक करेंगे अब आप लोगों ने यहाँ पर ये कैप्चा आपके सामने आएगा, जस्ट आप लोगों ने इस तरह से स्लाइड करके कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपके ईमेल अकाउंट के ऊपर एक ओटीपी आएगा, सिंपली आप लोगों ने अपना वही जो जीमेल होगा उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद वो ओटीपी यहां से कॉपी करेंगे। ओटीपी इंटर करने के बाद यहां पर देखेंगे कि हमारा जो अकाउंट होगा वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर अपना जो यूजर नेम है वो यूजर नेम यहाँ पर दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं अपना एक यूजर नेम सिलेक्ट कर लेता हूँ, चले जी निशान मिर्जा ऑफिशियल, इतना ही मैं जो अपना यूजर नेम वो सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद साइन अप पे मैं क्लिक कर देता हूँ। एक क्लिक पर हमारा जो टिकटॉक का यूके वाला अकाउंट है वो हमारा क्रिएट हो चुका है। अब आपके सामने ये कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है, आप लोग सिंपली नॉट नाउ पे क्लिक करेंगे। अब मैं आप लोगों को ये अकाउंट लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ कि आया इसी अकाउंट के ऊपर हमारे पास जो टिकटॉक का यूके वाला अकाउंट है उसके ऊपर बीटा प्रोग्राम का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके लिए सिंपली आप लोग टिकटॉक पर जाएंगे, एड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना वही ईमेल एंटर करेंगे। ईमेल एंटर करने के बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, आप लोगों के ईमेल के ऊपर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी भी यहाँ पर आप लोग इनपुट कर सकते हैं और आप लोग अपने पासवर्ड के साथ भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो चलें जी यहाँ पर मैंने ओटीपी देख लिया है। ओटीपी देखने के बाद सिंपली यहाँ पर मैं ओटीपी एंटर करता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पर आपके पास अगर टू मैनी अटेम्प्ट फेल का ऑप्शन आता है तो आप लोग इसी तरह से लॉगिन करेंगे तो आपके सामने वो इशू नहीं आएगा। आप लोग सिंपली इस तरह से एक्सेप्ट पे क्लिक कर दें। अब आप लोग प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग क्रिएटर टूल के ऊपर जब क्लिक करेंगे, क्रिएटर टूल के ऊपर क्लिक करने के बाद जो अकाउंट हम लोगों ने अभी क्रिएट किया था, मैं आपको चेक करवाता हूँ कि उसके ऊपर हमें जो बीटा प्रोग्राम का ऑप्शन है, ये अदर मोनेटाइजेशन के टूल्स हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। यहाँ पर देख लें क्रिएटर मार्केट प्लेस, क्रिएटिविटी प्रोग्राम, बीटा वर्क विद आर्टिस्ट, ये सारी चीज़ें हमें
यूके वाले अकाउंट के ऊपर मिलती हैं। तो ये था पहला स्टेप कि आप लोगों ने वीपीएन के साथ किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है, वीपीएन फ्री कैसे लेना है, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब जो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड के लिए आपको टिकटॉक का मास्टर एपीके और टिकटॉक का प्लगइन चाहिए होगा। वो प्लगइन और मास्टर एपीके कहाँ से डाउनलोड करना है वो वीडियो के आखिर में मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर मैंने टिकटॉक मास्टर और टिकटॉक प्लगइन दोनों को इंस्टॉल कर रखा है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने काम करना, जो वीपीएन कनेक्ट किया होगा उस वीपीएन को आप लोग डिस्कनेक्ट कर दें और यहाँ पर जो प्ले स्टोर वाला टिकटॉक है सबसे पहले उस प्ले स्टोर वाला टिकटॉक को अनइंस्टॉल करेंगे। अब जो प्ले स्टोर वाला टिकटॉक है हमने उसे कर दिया अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने जो टिकटॉक मास्टर और प्लगइन इंस्टॉल किया था उसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए सेम एज इट इज टिकटॉक प्लगइन के ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल करके डन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद टिकटॉक मास्टर है, अब टिकटॉक मास्टर को भी आप लोग सेम एज इट इज उसी तरह से इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पर ये इंस्टॉल के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। विद इन फ्यू सेकंड्स ये एप्लीकेशन भी आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। जब आपके पास टिकटॉक का प्लगइन और टिकटॉक मास्टर एपीके इंस्टॉल हो जाए देन आप लोग इसके जरिए भी यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, कोरिया और जापान वाला अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। हर कंट्री के अकाउंट आपको यहाँ पर क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। आप लोग परेशान नहीं होंगे कि हम लोगों ने यूके का अकाउंट क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करना है। भाई जब तक मैं हाजिर हूँ आपको बिल्कुल फ्री वाले मेथड ही प्रोवाइड करूंगा कैसे आप लोग इन फ्री मेथड्स को यूज करते हुए अपना जो टिकटॉक का यूके वाला अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। टिकटॉक मास्टर भी यहाँ पर हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली आप लोगों ने डन पे क्लिक करना है। अब डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लें, अब टिकटॉक प्लगइन है इसे भी मैं साइड पे कर लेता हूँ और ये टिकटॉक मास्टर है इसे भी मैं साइड पे कर लेता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने टिकटॉक प्लगइन को ओपन करना है। टिकटॉक प्लगइन को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपनी जो टिकटॉक ऑटोमेटिकली आपका ओपन कर देगा। आप लोगों ने एक बार इसे दोबारा कट करना है, सिर्फ टिकटॉक प्लगइन को ही ऑन करना है। टिकटॉक प्लगइन को ऑन करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख लें आपके सामने यूएस सेलेक्ट होगा तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर यूके सेलेक्ट करना है। ठीक है, यूके सेलेक्ट करने के बाद आप लोग फोर्स रीजन मोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद बाकी सेटिंग्स आप लोग रहने देंगे, जस्ट आप लोगों ने टिकटॉक को आप लोगों ने यहाँ से ऑन करना है। अब जैसे आप लोग ये सेटिंग करेंगे उसके बाद आप लोगों ने टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन करना है। जब आप लोग फर्स्ट टाइम टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। 3-1 सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा और यहाँ पर आप लोग ओके पे क्लिक करेंगे। अब ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्या काम करना है, आपके सामने जैसा भी इंटरफेस आए टिकटॉक आपका जो मास्टर है वो चले या ना चले लेकिन आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। सिंपली लॉगिन पे क्लिक करके साइनअप पे क्लिक करेंगे, यूज फोन और ईमेल इस पे क्लिक करके आप लोग सबसे पहले अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है अपने आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग वो आप लोग सिलेक्ट करेंगे ताकि वेरिफिकेशन के दरमियान आपको कोई भी इश्यू देखने को ना मिले। उसके बाद एग्री आर पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। GB+40 यूके का नंबर है तो हम लोग यूके का नंबर नहीं लगाएंगे, हम लोग अपना ईमेल यहां पर इंटर करेंगे जिस ईमेल के ऊपर हम लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है। तो इस तरह से आप लोगों ने अपना सेम उसी तरह से पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपके ईमेल के ऊपर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी लगाने के बाद आपका जो अकाउंट होगा वो क्रिएट हो जाएगा। अच्छा जी, अब आप लोगों ने टिकटॉक का जो प्लगइन है और मास्टर एपीके है वो कहाँ से डाउनलोड करना है, सबसे मेन चीज यही है। तो उसके लिए आप लोगों ने करना कुछ नहीं है, आप लोग चले जाएंगे गूगल में और गूगल में जाने के बाद आप लोगों ने सर्च करना है इलम वेब स्पेस में। बहुत सारे भाई कमेंट्स में पूछते हैं कि कौन सी वेबसाइट है, इसलिए आप लोग स्पेलिंग पहले देख रहे हैं, इलम वेब स्पेस में। इस वेबसाइट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। अब इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हाउ टू चेंज रीजन इन टिकटॉक। आप लोग इसके ऊपर क्लिक करके जो जो टिकटॉक आपको प्लगइन और आपको यहाँ पर मिलेगा मास्टर एपीके वो आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोग इस तरह से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दोनों फ्री मेथड मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मेरे नज़दीक वीपीएन वाला जो मेथड है वो बेस्ट है, आप लोग वीपीएन की तरफ चले जाएं। अब वीपीएन फ्री में कैसे लेना है उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, चैनल पर आपको मिल जाएगी। वो वीडियो देखकर आप लोग इजिली अपने जितने भी यूएसए वाले, यूके वाले अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और मैं रेकमेंड करूंगा यूके या जर्मनी वाला अकाउंट क्रिएट करें, उसके ऊपर आपको प्रॉब्लम्स बहुत कम देखने को मिलेंगी और आप अच्छा खासा वहां से अर्न भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।